वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इजीली आपके फ्रिज में अवेलेबल होती है, बट आप उसका बेनिफिट शायद नहीं ले पाते। आप कभी भी सैलून में या किसी भी बढ़िया पार्लर में जब आप जाते हो, फेशियल करवाते हो, तो आपने देखा होगा वो आइस क्यूब्स यूज करते हैं। आइस क्यूब्स हमारे को बहुत से ब्यूटी बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि अगर कुछ समराइज किया जाए, आपके आंखों के नीचे जैसे डार्क सर्कल्स है, पफिनेस है, उसको वो एकदम दूर कर देती है। फेस पे कोई भी रैशेज हो रहा है, सनबर्न हो रहा है, पिंपल हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, उसको काम डाउन करने का काम करती है। साथ साथ कई लोगों को प्रॉब्लम होती है फेस पे बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, ये उसको भी दूर करने का काम करती है। बेसिकली आइस क्यूब किसी मैजिक से कम नहीं होती, पर एक चीज़ है, आइस क्यूब को कैसे यूज़ किया जाए। आइस क्यूब को यूज़ करने का एक सही तरीका होता है। आप अगर घर पे यूज़ कर रहे हैं और आप अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको डायरेक्ट आइस क्यूब को यूज़ नहीं करना। आप कोई भी पतला से पतला कपड़ा ले लो, जैसे चुन्नी टाइप होती है, एकदम पतला सा कपड़ा, उसको लो, उसमें आप दो आइस क्यूब्स डालो और फिर यूज़ करो अपने फेस पे। उससे होता है, डायरेक्ट आइस क्यूब का काम क्या होता है, वो ना हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट ओनली अगर आपको वो यूज़ करनी आती है या फिर अगर कोई एक्सपर्ट आपके साथ है। उसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं तो आपकी स्किन को डैमेज तक कर सकते हैं। तो कोशिश करो एक पतला सा कपड़ा ले लो, तो आप ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे एक आइस क्यूब का। अब हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एक आइस क्यूब को यूज़ कैसे किया जाता है फॉर ग्लोइंग स्किन। हम टोटल ऐसी 6 रेसिपीज आपको बताएंगे आज की वीडियो में, जो आप घर पे रेडी कर सकते हैं फॉर अ इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन। ये सब बनाने में आपका कोई खर्चा नहीं होने वाला और आपको मजा आ जाएगा ग्लो देखकर। हम आज की वीडियो में हर स्किन प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाले हैं, जैसे कि जल्दी ऑयल आ जाता है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं। हर समस्या के अकॉर्डिंग एक रेसिपी हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ और आपको बताते हैं 6 होममेड रेसिपीज जो आप आइस से रेडी कर सकते हैं फॉर योर स्किन टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की DIY आइस क्यूब रेसिपीज। रेसिपी नंबर 1, एलोवेरा एंड कोकोनट ऑयल आइस क्यूब्स। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल, उनको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। अपनी आइस ट्रे में डालो, रेफ्रिजरेट कर दो। पहले इससे पहले आप जब तक आपका रेफ्रिजरेट हो रहा है, आपको इसके फायदे बताते हैं। एलोवेरा जेल का काम होता है आपके फेस से एक्सेस ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेना और साथ साथ आपके ब्रेकआउट्स को कंट्रोल करना। कोकोनट ऑयल मेक श्योर करता है आपके फेस पे कोई भी ड्राइनेस ना हो। ये जो रेसिपी है, इस रेसिपी का मेन काम है आपका एक्सेस ऑयल को बैलेंस करना, बेसिकली ऑयली स्किन के लिए ऑयल बैलेंस करना। जैसे आपकी वो आइस क्यूब्स रेडी हो गई है, उसको आप किसी भी पतले से कपड़े में लेके अपने फेस पे प्रॉपरली मसाज करो, 5 से 10 मिनट के लिए उसको मसाज करो। ये वाली आइस क्यूब्स मेक श्योर करेगी आपके फेस पे एक्सेस ऑयल ना आए फॉर लॉन्गर टाइम। आप फेस वॉश करने के बाद इसको यूज कर सकते हो, आपके फेस पे हल्का फुल्का ग्लो भी देगी, हाइड्रेशन भी रखेगी और साथ साथ एक्सेस ऑयल को बैलेंस भी करेगी। रेसिपी नंबर 2, कॉफी आइस क्यूब्स। कॉफी सिर्फ एक बेवरेज नहीं है, उसमें बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिजुविनेट करती है आपके फेस को और यूथफुल रखती है। ये वाली जो हमारी आइस क्यूब्स है, ये है एंटी एजिंग आइस क्यूब्स। अगर आपके फेस पे रिंकल्स वगैरह हैं तो एक कमाल का रिजल्ट आपको देने वाली है कॉफी से। कॉफी का देखो, जब आप लेते हो तो उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, एज स्पॉट्स को दूर करने का दम रखती है। आपने बहुत से कॉफी पैक्स के बारे में सुन लिया होगा, आप कुछ नया ट्राई करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे कॉफी आइस क्यूब्स और आपको मजा आ जाएगा उसको यूज करके। रेसिपी की अगर हम बात करें, आपने लेना है नॉर्मल कॉफी 2 चम्मच, उसको आपने बॉइलिंग वाटर में डालने हैं। जैसे वो बॉइल हो जाए, उसको आप प्रॉपरली बॉइल होने के बाद ठंडा होने के लिए रख दो, अपनी आइस ट्रे में डालो, रेफ्रिजरेट कर दो और तैयार हो गई आपकी कॉफी आइस क्यूब्स। उसको आप प्रॉपरली अपने फेस पे लगाओ, ये आपके फेस को यूथफुल रखेगी और जितने भी एज स्पॉट्स हैं, फाइन लाइन हो गए, रिंकल्स हो गए, उनको प्रॉपरली दूर रखेगी। रेसिपी नंबर 3, क्यूकम्बर एंड लेमन आइस क्यूब्स। क्यूकम्बर एंड लेमन दोनों ही बहुत कमाल के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये दोनों मेक श्योर करते हैं आपके फेस पे कोई एक्ने ब्रेकआउट्स ना हो। ये वाली जो आइस क्यूब्स है, ये स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। अभी हम बता रहे हैं पहले आपको ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए, एंड में हम आपको एक टिप देंगे ताकि अगर आपकी ड्राई स्किन और एक्ने प्रोन है तो आप क्या कर सकते हैं। क्यूकम्बर और जो लेमन होता है, वो मेक श्योर करता है आपके फेस पे कभी कोई रेडनेस ना हो। अगर एक्ने हो गया या एक्ने के निशान हो गए, वो प्रॉपरली दूर कर देता है। अब आपको बता दें पहले आपने इसको रेडी कैसे करना है। सबसे पहले आपने लेना है क्यूकम्बर, उसको आपने प्रॉपरली ब्लेंड करके एक प्यूरी में बना लेना है। देन आपने उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन डालने हैं, उनको प्रॉपरली एक मिक्स करके एक थोड़ा सा जैसा आपका लिक्विडी पेस्ट रेडी हो गया, उसको आप अपनी आइस ट्रे में डालो, रेफ्रिजरेट करो। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, आप उसमें पिंच ऑफ हनी डाल दो बनाते हुए। ये वाला थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग आपके लिए बन जाएगा, मॉइस्चराइजिंग आइस क्यूब्स बन जाएगी। इससे होगा क्या, ये एक बड़ी कॉमन कंसर्न होती है कि मेरी स्किन ड्राई भी है और पिंपल प्रोन भी है, तो मैं क्या करूं। मार्केट में ही बहुत कम चीज़ें आती हैं, तो ये आइस क्यूब्स आपके लिए हैं स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है और एक्ने प्रोन है। और अगर आपकी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन है, तो आप हनी को स्किप
कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी आपको फायदा देगी एक्ने के लिए और आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है, क्लॉग्ड पोर्स होते हैं, वो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। रेसिपी नंबर 4, रोज वाटर आइस क्यूब्स। रोज वाटर एक कमाल का ब्यूटी इंग्रेडिएंट होता है। ये जो हम आइस क्यूब्स रेडी करने वाले हैं, ये है क्लीन अप। अगर आप फेशियल नहीं कराते या नहीं करा पा रहे हैं या आप नहीं पसंद करते सैलून जाना, ये आपके लिए पूरा क्लीनअप वाला ही काम करने वाला है। रोज वाटर एक वैसे ही बहुत अच्छा ब्यूटी इंग्रेडिएंट होता है, जिसको सालों से यूज किया जाता है फॉर स्किन टोनिंग और भी बहुत ब्यूटी पर्पस के लिए। ये वाला जो हम रेडी करेंगे आइस क्यूब, ये आपका मूड एकदम से लिफ्ट अप कर दे, क्योंकि कमाल की फ्रेग्रेंस होने वाली है रोज वाटर की, और साथ साथ आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन देने का काम करेगा, इंस्टेंटली ब्राइटन अप कर देगा। अब बात करते हैं कि आप इसको रेडी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लेना 1 कप पानी, 1 कप रोज वाटर, उनको मिक्स कर लो और अपनी आइस ट्रे में डालो, फ्रीज कर लो, तैयार हो गई आपकी रोज वाटर आइस क्यूब्स। ये वाली आइस क्यूब्स मेक श्योर करेगी आपका मूड भी लिफ्ट रहे, रिफ्रेश रहे और आपकी स्किन भी प्रॉपर ग्लोइंग रहे। इससे पहले हम अपनी नंबर 6 की तरफ आगे बढ़े, आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पहले तो आप ये बताइए, आपको अभी तक की वीडियो अगर पसंद आई है, 5 रेसिपीज पसंद आई है, अगर उसका जवाब हाँ है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता ही नहीं लग पाएगा हमारी कब नई वीडियो आ रही है, तो बिल्कुल भी डिले ना करो और जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं आगे नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 हमारा है ग्रीन टी आइस क्यूब्स। ग्रीन टी हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, फैट बर्न करती है और बॉडी को रखती है बहुत ही हेल्दी, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, बट हमारी स्किन के लिए भी बहुत कमाल होती है। अगर मैं ग्रीन टी आइस क्यूब्स की पर्टिकुलरली बात करूँ, वो 2 चीज़ों पर फोकस करेगी। प्री मेच्योर एजिंग, एजिंग वक्त से पहले आ रही है तो ये आइस क्यूब्स आपके लिए। दूसरा, अगर आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। पहले आपको ये बताते हैं कि आपको यूज कैसे करनी है या बनानी कैसे है। सबसे पहले आपने लेना है बॉइलिंग वाटर, उसमें 2 टी बैग्स डाल लेना है, उसको डिप करके रखो 3 से 5 मिनट के लिए। जैसे वो प्रॉपर 5 मिनट हो जाए, अपनी टी बैग्स को बाहर निकाल लो, उस पानी को ठंडा होने दो और उसको डाल दो सीधा आइस ट्रे में। जैसे वो फ्रीज हो जाए, उस आइस क्यूब्स को आप यूज करो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपके डार्क सर्कल्स हो गए, एंटी एजिंग साइंस हो गए, हर चीज पे काम करेगी, खासकर पफिनेस पे। पफिनेस के लिए तो कमाल का ही काम करती है। तो ये थी कुछ ऐसी DIY आइस क्यूब्स की रेसिपीज जो आप घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं और फेशियल वाला ग्लो, पार्लर वाला ग्लो घर पे अचीव कर सकते हैं। फेशियल में बहुत वक्त लगता है, हर कोई नहीं दे पाता वो वक्त, तो आज ही ट्राई करो ये रेसिपीज। फ्रिज को अपना काम करने दो, आपको सिर्फ 5 मिनट देने और पूरा फेस पे ग्लो आ जाएगा। आपकी फेवरेट इनमें से कौन सी है या कौन सी रेसिपी आपकी नीड को कवर कर रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें जान के बहुत खुशी होगी आपके लिए कोई भी रेसिपी हेल्पफुल रही हो तो। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसी ही वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट सचदेवा, गुड बाय।